नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण सेन और ये वीडियो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी हमारी फॉर एसएससी जीडी, मेनली एसएससी जीडी जो 2024 में जो 20 फरवरी से डेट दिया हुआ है, तो उसका जो ये चौथा पार्ट है उसके बारे में है। इस पार्ट में हम लोग सेंट्रल स्कीम्स के बारे में जानेंगे। सेंट्रल स्कीम्स, ये सेंट्रल स्कीम्स ये नहीं जो हाल ही में निकली है, ये ऑलरेडी जब से बीजेपी सरकार आई है यानी 2014 उस सब से जो अभी तक है उसके बारे में है। तो ये पहला पार्ट है उसका। इसके बाद भी और एक पार्ट लाऊंगा जिसमें सेंट्रल स्कीम्स रहेगा। उसके बाद जो एकदम लेटेस्ट अभी सेंट्रल निकाला है, जैसे विश्वकर्मा योजना निकाला है ना, अभी रिसेंट निकला है 2023 का सेप्टेम्बर महीना में, उस टाइप का फिर लाऊंगा। तो इस वीडियो में मेनली जो 2014 से लेकर लगभग 2016-17 तक जो स्कीम्स निकली, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आती है उसके बारे में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक सवाल आपका उससे है जिसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, और अगर भूल गया तो आप लोग कमेंट में बताना। आप लोग बताइए कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, इन विच ईयर बीजेपी वॉज फाउंडेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ 2014, 2014 में, 2014 में जो भी स्कीम्स आए थे उनके बारे में है। जैसे नमामि गंगे स्कीम, नमामि गंगे स्कीम, हर एक स्कीम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबर कीजिए, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि देख ली यहाँ पर बस खींच करके स्क्रीनशॉट मार लिया, लिख लिए। इसके बारे में भी बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नाम बताना है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ 2024, पहला है नमामि गंगे स्कीम, फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर है मेक इन इंडिया, फिर है स्वच्छ भारत मिशन, फिर है मिशन इंद्रधनुष। क्या क्या? नमामि गंगे स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन इंद्रधनुष। ये सब 2014 में निकला है, इसलिए साल तो मैं और किसी का नहीं बताऊं क्योंकि लिखा हुआ है ही। अगर आपसे पूछ ले कि नमामि गंगे स्कीम कब आया था, 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था, 2014, मेक इन इंडिया हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर मिशन इंद्रधनुष का पाया था 2014, ठीक है। इसलिए साल तो मैं नहीं बताऊंगा, अब इसके बारे में जो है वो बताऊंगा। जैसे नमामि गंगे स्कीम की बात करूं तो इसे लॉन्च किसने किया था, तो इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने नमामि गंगे जो स्कीम है उसे लॉन्च किया था। इसका पर्पज क्या था यानी किस लिए, इसका काम क्या था, इस स्कीम को लॉन्च करने के काम क्या था? तो इसका जो काम था वो मेनली था, आप नमामि गंगे स्कीम से ही जो नाम से ही पता कर सकते हैं कि जो हमारी जो गंगा रिवर है जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है, तो गंगा रिवर को प्योरीफाई करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए ये स्कीम को लाया गया था। गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए यानी प्योरीफाई करने के लिए ये स्कीम को लाया गया था। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर बात करूँ तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश किया था, इस स्कीम को निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इस स्कीम के तहत यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये बोला गया था कि हर एक हाउसहोल्ड में यानी हर एक घर में एटलीस्ट एक बैंक खाता होगा, ऐसा ना हो कि खाता नहीं है तो एक खाता होगा। इसके चलते क्या होगा, अगर कभी भी अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उस घर में तो 2 लाख रुपीज का कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है। ये था इसके बारे में, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस रिलेटेड था। फिर आपका मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो पर्पज था वो क्या था, वो था मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया खुद का सामान बनाएगा ना कि बाहर देश से खरीदेगा, ठीक है, मेक इन इंडिया। स्वच्छ भारत मिशन, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन मतलब क्या, इसको साफ करना है, क्लीन करना है, तो फॉर क्लीन, क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये जब गांधी जी का जन्मदिन था यानी 2 अक्टूबर उस डेट को शायद निकला था, ठीक है। फिर है मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बोले तो ऐसे भी आपको याद आता है रेनबो जिसमें 7 तरह का कलर अलग अलग होता है, इसको विबग्योर से भी बोला जाता है, वायलेट इंडिगो ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ, यूनियन हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के तहत इसे निकाला गया था। और इस स्कीम के तहत टोटल 7 डिजीज के खिलाफ जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया था। टोटल 7 डिजीज मतलब वैक्सीनेशन किया जाएगा जिसमें टोटल ये जो आप लिखेंगे मैं, ये जो 7 डिजीज है वो अब से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके उसको प्रिवेंट करने के लिए, इन 7 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इसे निकाला गया था। जैसे सबसे पहला है आपका डिप्थेरिया, फिर आपका होपिंग कफ, फिर आपका टिटेनस, फिर आपका पोलियो, फिर आपका टीबी, फिर आपका मिजल्स, फिर आपका हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी। क्या क्या कहा मैंने, डिप्थेरिया, होपिंग कफ, टिटेनस, फिर आपका पोलियो, टीबी, मिसल्स, हेपाटाइटिस बी। इन तमाम जो 7 डिजीज है इनको प्रिवेंट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष स्कीम लॉन्च किया गया था। इसके तहत सबको वैक्सीनेशन प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 2015 यानी 2015 में, 2015 में क्या क्या स्कीम आया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत था।
2015 में क्या क्या आया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत था। सबसे पहला अगर स्कीम की बात करूं तो पहल स्कीम, पहल पहल ठीक है, पहल पहल स्कीम, फिर हृदय हार्ट हृदय स्कीम, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आपका पीएम मुद्रा स्कीम, फिर आपका उजाला योजना, फिर आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है, पहल स्कीम, हृदय प्लान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम मुद्रा स्कीम, उजाला योजना एंड अटल पेंशन योजना। सबसे पहले बात करते हैं पहल स्कीम के बारे में। तो पहल स्कीम के बारे में जो आपका इसको जो आपका बैंक खाता होता है ना, बैंक खाता, उसमें जो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी होती है ना एलपीजी गैस, उसका जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था, बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था। पहल स्कीम के तहत जो आपका एलपीजी खरीदने में जो सब्सिडी लगती है उसे डायरेक्ट आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया जाता था। हृदय स्कीम की अगर बात करूं, हृदय हार्ट हृदय स्कीम की बात करूं, तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना होता है जो कि है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। हेरिटेज लिख देता हूं मैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। ये टोटल 12 सिटीज के लिए लाया गया था। सिटी कल एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें सवाल दिया था, चार ऑप्शन दिया था और बोला था इनमें से कौन सा प्लान जो है या फिर स्कीम है जो अर्बन पॉपुलेशन सॉरी रूरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, यानी रूरल जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। तो हृदय प्लान था वहां पर। फिर से कह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स है या फिर जो स्टैटिक का जो पार्ट होता है स्कीम से रिलेटेड, उसको कैसे भी तरह के घुमा मोड़ के आ सकता है। ठीक है, जैसे हृदय प्लान की बात करूँ तो इसमें फुल फॉर्म भी दे सकता है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन स्कीम, या फिर बोल दे हेरिटेज स्कीम में एज का मतलब क्या है, ये भी हो सकता है। हृदय प्लान किसके लिए है, रूरल के लिए है या फिर सिटी या फिर मैंने यानी अर्बन पॉपुलेशन के लिए, तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इम्पोर्टेंट है, ये काफी वायरल भी हुआ था, अभी भी है, इसकी काफी वैल्यू है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये टोटल ये भी 2015 में निकला था, मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है ना उसने निकाला था इसे। क्या था इसका मेनली अगर मोटिव की बात करूं, इसका अगर मेनली मोटिव की बात करूं तो था आपका जो सेक्स रेशियो है, रेशियो यानी 1,000 लड़का में कितना लड़की है उसको इंक्रीज करना, उसको इंक्रीज करना, यानी एक तरफ से जेंडर इक्वालिटी की बात किया गया था इसके तहत। इक्वालिटी इक्वालिटी पहले होता था ऐसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जब हस्बैंड मर जाता था तो उनकी जो वाइफ होती थी उनको भी जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो है, राजा राम मोहन रॉय उसके द्वारा ही जो आपका ये जो प्रथा था सतीदाह प्रथा इसे जो कहते हैं, इसके बंद किया गया था। फिर लड़कियों को पढ़ने का ही नहीं रहता था कि पढ़ने का कोई भी उसको अवसर नहीं मिलता था घर से। ठीक है, और विधवा विवाह ये सब भी होता था। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो करवाया था। तो बात है कि तब के टाइम में 1828 1856 इस टाइम में लोग इतना इतना कुछ काम किए हैं लड़कियों के लिए। अभी कितना ऐसा लड़की है जिसको मालूम भी है कि राजा राम मोहन रॉय बोल के कोई था, या फिर अगर राजा राम मोहन रॉय अगर पता भी हो तो कितनों को मालूम होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल के भी कोई था जो हमारे लिए ये किया है। पहले गंगा में भी जो अगर फीमेल बर्थ होती थी तो उसको बहा दिया जाता था, ये भी बंद हुआ था। तो ये सब जो पहले था प्रचलन ये होता था जो फिर बाद में बंद किया गया था। ठीक है, तो आते हैं वीडियो की तरफ वरना स्ट्रीम में घुस जाएंगे। फिर पीएम मुद्रा स्कीम, मुद्रा यानी आपको पता चल ही रहा है मुद्रा यानी ये किस क्या रिलेटेड होगा, फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसका अगर फुल ये नॉर्मली फुल फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म जो इसका है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसका मेनली जो मुद्रा स्कीम था ये लोन देना था 3 स्टेजेस को, यानी एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, इन तीनों को यानी इन तीनों ग्रुप के जो लड़के या फिर लड़कियां होंगे उनको कुछ लोन प्रोवाइड करना ताकि वो कुछ कर सके। फिर जो है उजाला योजना, उजाला योजना, उजाला योजना के तहत जो है वो सबको कम दाम में एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, सस्ता भी होता है काफी टिकाऊ भी होता है, सस्ता नहीं होता है मेनली थोड़ा सा इसका दाम होता है लेकिन ये काफी टिकाऊ होता है और ये इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो एलईडी जो फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, तो
सबको कम दामों में हाउसहोल्ड के लिए यानी घर के काम के लिए एलईडी मुहैया कराना, कम दामों में एलईडी को अफोर्ड कराना, ये था इनका लक्ष्य। उजाला, उज्ज्वला नहीं, और एक होता है उज्ज्वला, ये नहीं, ये एलपीजी गैस सिलेंडर रिलेटेड है, ये है उजाला, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाद में आया था ठीक है, और ये जो उजाला योजना है ये 2015 में आया था, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा ठीक है। उजाला का फुल फॉर्म भी दे देता है, उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाय, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा अनकेयर कीजिएगा, अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। फिर आपका अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत लाया गया था, जो आपको आपका 18 से 40 साल तक ठीक है, 18 से 40 साल तक आपको बैंक में कुछ राशि जमा करना, फिर उसके बाद आपको 1,000 से 5,000 तक आपको हर महीना आपको थोड़ा सा जो पेंशन है वो मिलते रहेगा ठीक है। तो ये अटल पेंशन योजना है। तो ये जो तमाम हमने पढ़े, पहल स्कीम, हृदय प्लान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम मुद्रा स्कीम, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ 2015 है। नेक्स्ट, 2015 में और भी आया था, ये देखिए अभी बाकी है और ये लास्ट स्लाइड है ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ ठीक है। तो क्या आया था, अमृत योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर डिजिटल इंडिया मिशन, फिर सागर माला प्रोजेक्ट, फिर उदय योजना, उदय शेट्टी नाना पाटेकर के जो था लिमिटेड ठीक है, तो अमृत योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर आपका डिजिटल इंडिया मिशन, सागरमाला प्रोजेक्ट, फिर उदय योजना ठीक है। तो अगर अमृत की बात करूं, उसका फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा जो है अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, क्या है, अटल पेंशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत योजना का जो अमृत जो है उसका फुल फॉर्म है, अटल पेंशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा भी दे सकते हैं कि अमृत का जो ये आर है इसका मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए आर रिलेटेड ठीक है, सेल्फ रिलायबल, फिर रिन्यूएबल, रिजुवेनेशन और कुछ एक दे दिया ठीक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो आपको हर तरफ से एकदम पूरा जानना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन वो कैसे भी वो मचोड़े आपको वो आता है ठीक है, डाइवर्ट गलत दिशा में नहीं होना है, जो अभी हो रहे लोग 12th फेल देख के, यानी जैसे बोल दिया आप बोलेगा क्या बोल दिया तुम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो 12th क्या नाम है 12th फेल, ये जो फिल्म है इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक ऐसा लड़का जो 12th में फेल हुआ था, उस टाइम के बात कर रहा हूँ मैं ठीक है, अभी का नहीं, जज मत करना, इसलिए उस टाइम के बात करूँ, एट दैट मोमेंट वो 12th पास, 12th का एग्जाम दिया था और जब रिजल्ट आया था तो फेल था, तो एक 12th फेल लड़का, यानी समझ में आ रहा, उस टाइम पे वो कैसा था पढ़ाई में, एकदम गोल 12th फेल हुआ था ठीक है, तो वैसा एक लड़का अपना मेहनत से, लगन से, अपना हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, इस सब के बदौलत वो यूपीएससी क्लियर किया, ऐसा भी नहीं कि वन डे को एग्जाम क्लियर किया जो एक दिन गया दे के आया और निपट गया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको चैट जीपीटी क्लियर नहीं कर पाया था उसको वो क्लियर किया है ठीक है। हर एक लड़का या फिर लड़की जो भी इसे देख रहे हैं उसको ये सीखना चाहिए कि अगर 12th फेल हुआ लड़का इतना कुछ करता है, तो अगर मैं कम नंबर से भी पास हुआ हूँ 12th में, 30%, 40%, 50%, मैं एटलीस्ट यूपीएससी नाउ वन डे एग्जाम तो निकाल ही दूंगा कोई, अगर ठीक ठाक से पढ़ू, ये होना चाहिए मोटिव। मोटिव क्या हो रहा है, एक लड़की होना चाहिए सक्सेस के लिए, लड़की को साथ देना चाहिए, फिर उसको सफलता मिलता है। मैं उसके साथ और दो जन भी था, गौरी भैया और पांडे ठीक है, और उसका मम्मी और उसका भाई, उसका पापा, ये सब भी था ठीक है, सिर्फ एक जन का बदल तो कुछ नहीं हुआ था। और एट द एंड ऑफ द फिल्म व एट द एंड ऑफ द रियल लाइफ, मनोज भाई जो है वो लास्ट तक आईपीएस बनता है, ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर वो अभी तक आटा चक्की में ही काम कर रहा हो और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आयरस बन गई थी और फिर भी उससे शादी कर लिया था, तब उसको रिलेशनशिप की तरफ खींचना, बट ऐसा नहीं हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे वो आईपीएस बना है, तो इसको रिलेशनशिप में मत खींचो, इसको खींचो कि कैसे एक लड़का 12th फेल हुआ लड़का अपना मेहनत से, लगन से, उतना दूर तक यूपीएससी क्लियर करना कम बात थोड़ी है, यूपीएससी आईपीएस वो मारा था, फोकस इस पे होना चाहिए ना कि एक जिन लड़की होना चाहिए, इस लड़की ने साथ दिया इसका हो गया। तो कहावत भी, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होता है, वो औरत माँ के सिवा और कोई नहीं होता है ठीक है, माँ बहन भाई बाप ये सब होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है, और अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो अलग बात है,
तो मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं जब आसाम गया था, मेरे दोस्त के बदौलत मैं जा पाया था। जब मैंने आसाम गया था एयरफोर्स के लिए ना, तो अपने दोस्त के बदौलत जा पाया था। ठीक है, तो अगर कभी और कुछ निकल जाए और उसको उनको अगर क्रेडिट ही ना मिले, मेरे हिसाब से, मैं खुद कर, वो नहीं बोलेंगे भाई क्रेडिट दो, लेकिन मेरे हिसाब से तो बोलना चाहिए ना। हर वीडियो में बोलता हूँ आसाम गया था, नौकरी नहीं वो अलग बात है, अगर होता भी तो उसी का था। मेरा नॉलेज से क्या ही हो जाएगा, नॉलेज से थोड़ी आसाम पहुंचा था मैं। आसाम पहुंचने का अवसर मिलता है हमको नॉलेज से, बट आसाम पहुंचना, रहना, खाना, इसके लिए जो एक मनी लगता है ना, वो दोस्त के चलते मिला था। ठीक है, तो इसलिए हर चीज मायने होता है। गलत मैसेज हम खुद ले रहे हैं, फिल्म नहीं दे रही है, फिल्म तो काफी बढ़िया है, फिल्म को थोड़ी हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी उसको गलत हिसाब से ही ले रही है। फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, फोकस किसी और चीज पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए छोड़िए, अभी वीडियो पे देखते हैं। तो फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास मतलब क्या होता है, घर, यानी घर मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, काफी ऐसे होते हैं जो स्टेशन में सोते हैं या फिर बाहर सोते हैं, ठंड गर्मी का टाइम में तो फिर भी हो जाता है ठीक है, लेकिन सोचिए बरसात का टाइम पे या फिर ठंडा का टाइम पे क्या होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये डिसाइड किया गया था कि 2022 तक, 2022 तक 2 करोड़ घर बनाया जाएगा, 2 करोड़। 2022 तक, ये 2015 में निकला था, 2022 तक की बात हो रही है, 7 साल में, 7 साल में 2 करोड़ घर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसका जो मेनली काम था वो था जो पब्लिक जो काम होता है ना, पब्लिक काम जितना भी वर्क होता है उसको डिजिटली करना, यानी फोन के थ्रू से, लैपटॉप के थ्रू से। समझ में आया आपको? जैसे जैसे बहुत पहले की अगर बात करूं, जब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अगर बुकिंग करना होता था कैसा होता था, जाके कराना पड़ता था, याद है, जाके स्टेशन जाके। अभी फोन से भी होता है, ये कर टिकट भी काटता होना था, तो पहले टाइप राइटर पर टाइप होता था वो चीज, यहाँ से जाएगा, अभी क्या है मशीन से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो, डिजिटल हुआ ना चीज, डिजिटल हुआ चीज। घर बैठे हम लोग कुछ भी बुकिंग कर पा रहे हैं, घर बैठे हम लोग स्विगी या फिर कहीं से भी खाना ऑर्डर कर पा रहे हैं, घर बैठे हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो को, जो भी एप्स ये है ई कॉमर्स जो साइट्स है, उनसे हम लोग जो जो भी हमने जरूरत की जो चीज है, कपड़ा हो, जूता हो, कुछ भी हो, उसे मंगा पा रहे हैं। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन का यही लक्ष्य था कि इंडिया का जो काम है, पब्लिक सेक्टर में जो काम है, उसको डिजिटलाइज करना, ताकि सुविधा हो। जैसे पहले, बहुत पहले की अगर बात करूँ, तो फॉर्म फिलअप जो करते थे हम लोग नौकरी के लिए, वो भी ऑफलाइन डालना पड़ता था, अभी ऑनलाइन हो गया है कि नहीं? एटलीस्ट 99% अभी जॉब ऑनलाइन में होता है, कुछ रहता है जिसको ऑफलाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया का मिशन यही काम था। फिर है सागर माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ, सागर माला प्रोजेक्ट था वो था जो पोर्ट्स है ना हमारे, पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब आपको पता है सागर किनारे जो बीच होता है उसमें जो पोर्ट्स होता है, जिसमें हम लोग इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होता है देश का, जहाज के थ्रू, शिप्स के थ्रू, कार्गो के थ्रू। तो उस सागर माला प्रोजेक्ट के अंदर वो पोर्ट सबको डेवलप करना, कनेक्शन करना, किसके साथ, रोड्स के साथ और रेलवेज के साथ, रोड्स के साथ और रेलवेज के साथ, ये था उसका काम। फिर लास्ट है उदय योजना, उदय, UDAY, उदय योजना। उदय योजना का अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वह है उज्जवल, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, उदय, UDAY, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस। यहाँ पर उज्जवल आ गया, तो ये उज्जवल वो नहीं है एलपीजी वाला, ठीक है, वो बाद में आएगा। अभी उज्जवल, उदय, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, ये उदय का फुल फॉर्म है। और उदय के, मतलब उदय जो स्कीम निकला था, उसका जो मेन फैक्टर था वो था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक स्टेट में पावर लगता है ना, बिजली का, वाटर जो पावर लगता है, तो उसको इक्वली डिवाइड करना, इक्वली देना, जिसको जितना काम है उसको उतना, मतलब जिसको जितना पावर की नीड है उसको उतना मुहैया कराना। ठीक है, तो झारखंड जो स्टेट है ना, झारखंड स्टेट फर्स्ट था जो इस स्कीम को ज्वाइन किया था। ये लक्ष्मी चिटफंड स्कीम नहीं है, ठीक है, जो 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। तो झारखंड स्टेट जो है ये फर्स्ट है जो इसको ज्वाइन किया था, किसको, उदय योजना को। इसका काम यही था कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और रिकवरी ऑफ फाइनल सॉरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उदय योजना जो है सबसे पहला ज्वाइन करने वाला राज्य कौन सा था, तो झारखंड था, जो उदय योजना को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। तो आई होप ये वीडियो जो स्कीम है ये आपको अच्छा लगा है, इसके बाद भी और लाऊंगा, जो 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी हुआ है, उस सबको और एक वीडियो में लाऊंगा, और ज्यादा नहीं, वो 14, 15, 16 में ही जितना आया था, तो उस पर कम 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 गया था। ठीक है, तो इसके बाद भी लाऊंगा, और एक वीडियो है जो ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ है, उसको दूसरी वीडियो बनाना है जो स्कीम्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।